हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो. राइट, सो करंट फीलिंग्स के ऊपर ये फ्रेश अपडेट है. आपके पार्टनर के, आपके स्पेसिफिक पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. अगर उनका नाम ए से एन तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, और अगर उनका नाम जो है वो ओ से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू. टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है. एंड बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है. आपकी नॉर्मल सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन के लिए यहां पर आपके लिए मैसेजेस इस रीडिंग में जरूर होंगे. सो यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर वन. ग्रुप नंबर वन, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एन तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. सो सबसे पहले वी विल शफल द कार्ड्स एंड फोर कार्ड्स मैं यहाँ पे पिक करूंगी आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करने के लिए. इस समय पर आपके टुवर्ड्स उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, आपके और उनके रिश्ते के बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं. ऑलराइट, तो पहला कार्ड हमारे पास है द एम्प्रेस, देन वी हैव जस्टिस. ओके, शुरू में ही दो मेजर अरकाना आ गए हैं. देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स. ऑलराइट, और इनका बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का. ठीक है, तो यहां पे मैं देख रही हूं एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में काफी ज्यादा बैलेंस बनता जा रहा है, यानी कि इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में ये बैलेंस बनाते जा रहे हैं. राशियां मैं यहां पे बता देती हूँ. सबसे पहले तो एरीज राशि, लीब्रा राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ये जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस राशि भी इनकी हो सकती है. इन डिटेल अभी एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले चार कार्ड्स जो हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर वन आपकी एनर्जी के लिए हम पिक करेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ जो भी आपका रिश्ता है उसमें आप क्या चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय पर. इन शॉर्ट, व्हाट इज योर एनर्जी राइट नाउ, आपकी लव लाइफ की एनर्जी इस समय पर क्या है. ग्रुप नंबर वन, व्हाट इज योर एनर्जी राइट नाउ ग्रुप नंबर वन के लिए. ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स पिक दिस कार्ड, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड. ओके फाइन, और आपका बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है स्टार कार्ड. तो आप लोगों में राशियां जो हो सकती है सबसे ज्यादा, एक तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि वाले शायद बहुत सारे लोग हैं व्यूअर्स में ग्रुप नंबर वन में, एक्वेरियस राशि वाले हो सकते हैं, वर्गो राशि वाले हो सकते हैं. ठीक है, या आपका सन साइन भी हो सकता है या आपका मून साइन भी हो सकता है, जिस भी तरीके से आप अपना जोडियक साइन फॉलो करते हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी ग्रुप नंबर वन. एक चीज यहाँ पे आप दोनों के कंपैरिजन में जो मुझे क्लियरली नजर आ रही है इज दैट आपके पार्टनर की एनर्जीज में तो बैलेंस बन रहा है. ठीक है, हल्का फुल्का कंफ्यूजन है उनकी तरफ से, बट स्टिल उनकी एनर्जीज में काफी हद तक बैलेंस बनता जा रहा है. आप दूसरी तरफ उतने ही ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि आप उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते चले जा रहे हो. ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है, या मैंने शायद बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इस रिलेशनशिप में डाल दिया है. अब समय आ गया है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ बनाना है, मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है. तो एक सैडनेस मैं यहाँ पे जरूर आपके मन में देख रही हूँ, या आप में से कई सारे लोग जो है वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अपने काम पर ध्यान देना या मनी की तरफ ध्यान देना इस समय पर आपके लिए एक बहुत ज्यादा यू नो आपकी जरूरत है. मे बी किसी किसी तरीके का इम्बैलेंस जो है वो आपके पास्ट में क्रिएट हुआ था आपके रिलेशनशिप की वजह से, जिसको कि अभी इस समय पर आप बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो एक ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि कोई थोपी हुई चीज है आपके ऊपर, आपके ऊपर एक तरीके का बर्डन डाला जा रहा है,
और हैप्पीनेस से आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत का इंतजार भी कर रहे हो। यूजुअली मैं रिवर्सल कार्ड्स लेती नहीं हूँ, बट हाँ ये सबसे पहला ही कार्ड जो था ये रिवर्सल में आ गया है यहाँ पे। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आप जिस नई बिगनिंग का इंतजार कर रहे हो, ये आपके काम में हो सकती है, ये इस रिलेशनशिप से जुड़ी हो सकती है, मे बी आपके काम की जो सिचुएशन है वो पूरी की पूरी आपकी और इनके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, राइट। समहाउ समवेयर आपका जो करियर है वो हो सकता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या ये रिश्ता जो है वो आपके करियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस भी नई बिगनिंग का आप इंतजार कर रहे हो उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ डिलेज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, तो ये नेक्स्ट 1 ईयर तक एनर्जी हो सकता है कुछ इसी तरीके की रहे। अगर आप अपने आप को इस हर्मिट के जोन से, इस हर्मिट के मोड से आप बाहर नहीं निकालते हो, और मैं ये देख रही हूं कि आप जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहे हो, आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है। आपका जो बैक ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है वो स्टार कार्ड निकल के आया है। आप चीजों को ठीक करना चाह रहे हो, आप सब चीजों में बैलेंस बनाना चाह रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी ठीक करना चाह रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी काम करना चाह रहे हो। मे बी आप में से कई सारे लोग जो है वो अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर भी इस समय पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इन सब फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो है वो आपकी लव लाइफ कह लीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, या अभी आपका पूरा फोकस जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर नहीं जा रहा है। इन केस कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तैयार नहीं हो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए, या आप थक चुके हो उन परेशानियों से डील करते करते, और अब आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए अलग निकाला है, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर पार्टनर्स एनर्जी, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज की अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रुप नंबर 1, तो एक चीज जो मैंने शुरू में ही आपको बोल दी थी जब मैंने यहाँ पे कार्ड्स पिक किए थे कि इनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस बन रहा है। यानी कि अगर ये इंसान पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे, तो अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और अगर ये पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, तो इनका जो इमोशनल सेल्फ है वो निकल करके बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ पे निकल के आया है। रेयर कॉम्बिनेशन है। ये जो पर्सन है ये अपने पास्ट के बारे में, आपके और इनके पास्ट के बारे में ये सोच रहे हैं, उन सारी पुरानी बातों के बारे में ये सोच रहे हैं, जहां पर मे बी इनकी वजह से आपकी लाइफ के ऊपर किसी तरीके का असर पड़ा है। और अगर आप इस समय पर इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का गैप आ रहा है, तो ये इंसान इस मोमेंट पर समझ पा रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती जो है वो इनकी तरफ से भी रही है। मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे बोला था कि नो कॉन्टैक्ट पीरियड या थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले ये जो लोग हैं उनके लिए भी ये रीडिंग होगी। तो यहाँ पे येस, दिस पर्सन इज स्टिल समहाउ कन्फ्यूज, अभी भी ये थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में है, किसी तीसरे ऑप्शन को लेकर के, किसी दूसरे इंसान को लेकर के हल्का फुल्का कन्फ्यूजन इनके माइंड में है। लेकिन अगर इनकी तरफ से कुछ इम्बैलेंसेस, कुछ मिस्टेक्स आपके टूवर्ड्स हुए हैं, तो वो रियलाइजेशन अब इनके मन में धीरे धीरे आ रहा है। आपके और इनके रिलेशनशिप को ये ठीक करना चाहते हैं, ये बातचीत से इन सब चीजों को सुधारना चाहते हैं, अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं तो, ठीक। आई सी के इनके माइंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग भी जरूर चल रही है आगे की, आप लोगों के आगे की जर्नी को लेकर के। जब भी ये आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इन्हें एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील इनको आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ में ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और शायद आप ही को इन्होंने अवॉइड कर दिया है किसी दूसरे इंसान की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से। इनका जो बैक ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आया है दैट इज किंग ऑफ कप्स, यानी ओवरऑल आपके टूवर्ड्स और आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स इनके इमोशंस बहुत ज्यादा जेन्युइन है, स्ट्रांग इमोशंस है। ये इंसान मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल फीमेल, आई मीन टू से आदमी औरत कोई भी पर्सन हो सकते हैं, जेंडर रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे जो अब धीरे धीरे इमोशनल होती जा रही है, राइट। नाउ लेट अस सी, थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पे हमको हमजा कार्ड्स के थ्रू मिल जाएगी। ग्रुप नंबर 1 आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके रीसेंट थॉट्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं? जब भी उन्होंने आखिरी बार आपके बारे में सोचा है, लास्ट टाइम जब भी आपका थॉट उनके मन में आया है, किस तरीके के इमोशंस और किस तरीके की बातें उनके मन में आपके लिए आई हैं?
ठीक है, आप मुझे काफी समय से जानते हो, यानी कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप दोनों का। मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है। ये तो पूरी पेज ऑफ सॉर्ड्स और टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है उसकी वजह से शायद आप कंफ्यूजन में आ गए हो, या इन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं। मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं, राइट। कार्ड में यहां रख देती हूँ। सो ग्रुप नंबर वन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है और उनके पार्टनर उनसे बात करने के बारे में लगातार सोच रहे हैं। देन वी हैव प्लीज मेरा वेट करो। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं मे बी, या कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसको ये अभी टैकल करना चाह रहे हैं, या अपनी एनर्जीज को, अपने माइंड को बैलेंस करने के बाद में, अपने थॉट्स में क्लैरिटी आने के बाद ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वर्काहोलिक एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। तो आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, इनके माइंड में क्या थॉट आया है रिसेंटली, वर्काहोलिक, जो कि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्लियरली निकल के आई है। आपके सारे पेंटिकल्स के कार्ड, चार में से तीन कार्ड्स गाइज आपके पेंटिकल्स के निकल के आए हैं। सो दैट मीन्स ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना पूरा ध्यान जो है अपने काम के ऊपर, अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने करियर के ऊपर आप लगा रहे हो, ठीक है, या इनके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो इफ यू स्टिल लव मी। अब इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने शायद अपनी एनर्जीज को विदड्रॉ किया है इनकी तरफ से, आपने थोड़ा सा अपने कदम पीछे किए हैं, तो इनके मन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं आप अभी भी इनसे प्यार करते हो या इनकी केयर करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ओके, लेट्स पिक टू मोर कार्ड्स ग्रुप नंबर वन के लिए। जब भी इस इंसान ने लास्ट आपके बारे में रिसेंटली जब भी आपके बारे में सोचा है, क्या थॉट्स इनके मन में आए हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और कई सारे लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है ये काम से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है। आपने मेरा बहुत साथ दिया, आपकी तरफ से जो भी पॉजिटिव एक्शंस आपने इनके लिए किए हैं, कभी भी लाइफ में आपने इनको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, वो सारे मोमेंट्स या हेल्प करी है जिस भी तरीके से आपने इनकी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर में आ रहा है, वो सारी चीजें जो है ये सोचते हैं जब भी इन्हें आपका ध्यान आता है। ओके, एंड वी कांट नेग्लेक्ट आखिरी कार्ड जो यहाँ पे है, बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। तो ये स्पेशल मैसेज है, ये आगे की जर्नी के लिए, मैंने आपको कहा था कुछ प्लानिंग ये कर रहे हैं, आप लोगों के आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये प्रपोजल हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए, ये इंसान हो सकता है कि आपको मैरिज के प्रपोजल के लिए ये सोच रहे हो, या अगर आप लोग सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हो तो प्रॉपर ये आपको किसी तरीके का प्रपोजल देने वाले हैं, ठीक है। ऐसा थॉट जो है वो जरूर इनके माइंड में आ रहा है, और एनर्जी यहाँ पे इनकी तरफ से मुझे अभी तो बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस समय पर, ये इंसान बहुत इमोशनल है और ये अपने किसी इम्पल्स में आकर के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अचानक से। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर वन, अचानक से आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज या किसी तरीके का ये अपनी तरफ से अप्रोच आपको कर सकते हैं। उस मोमेंट में ये होगा जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, या जब आप यहाँ पे अपने काम में जब आप बिजी होगे, तब ये प्रपोजल आपके पास में आएगा, ठीक है, जब ये थॉट बिल्कुल भी आपके माइंड में कहीं से कहीं तक चल नहीं रहा होगा। ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। नो सॉरी, ये करंट फीलिंग्स के ऊपर थी, नो कॉन्टैक्ट के ऊपर अभी मैं अलग से एक रीडिंग, फ्रेश अपडेट जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ, सो स्टे इन टच। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आपने फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देखी है और आपके साथ में रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी दे दीजिए, और नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिए, जल्दी लेकर के आऊंगी। आई नो मेरी रीडिंग्स में अभी आजकल जो है, पिछले कुछ महीनों से काफी गैप रीडिंग में आता जा रहा है, और मैं आप लोगों के कमेंट्स, सारे के सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग जो हो रीडिंग्स का वेट कर रहे होते हैं, बट गाइस प्लीज ट्रस्ट मी, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी चल रही हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कई बार बिजी हो जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और जब भी मुझे, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं तुरंत यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए आ जाती हूँ। सो यस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर टू, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। तो सबसे पहले
फोर कार्ड्स जो हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए यहाँ पे हम पिक करेंगे टू सी के उनके रीसेंट थॉट्स इमोशंस आपके लिए क्या हैं। वी हैव द स्टार कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, वी नीड टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड्स और पिक करेंगे फॉर ग्रुप नंबर टू, आपके स्पेसिफिक पर्सन के थॉट्स इमोशंस इंटेंशंस उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी ऑल्सो हैव द टावर कार्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बैक ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आपका आया है फोर ऑफ कप्स का। तो राशियां यहाँ पहले मैं बता देती हूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एक्वेरियस और स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। एंड वी ऑल्सो हैव एरीज लियो एंड सेजिटेरियस, ये आपके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं उनकी ये राशियां हो सकती हैं। नाउ वी विल पिक फोर कार्ड्स फॉर यू, चार कार्ड्स इस समय पर आपकी एनर्जी चेक करने के लिए, आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है एज अ व्यूअर, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने थॉट्स के जरिए अपनी फीलिंग्स के जरिए अपनी फ्रिक्वेंसी के जरिए आप क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। चार कार्ड्स पिक करने थे, फोर कार्ड्स यहाँ पे अपने आप से आ गए हैं। ये जो कार्ड्स स्पेशली जो अपने आप से फॉल आउट होते हैं डेक में से, दीज आर वेरी स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट। और आपका बैक ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। क्यों परेशान हो, Why are you so worried? इतनी टेंशन में क्यों हो आप लोग? ग्रुप नंबर टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नाइट मेयर्स आ रहे हैं, बुरे बुरे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो। तो ये कार्ड देख करके पहली चीज तो ज्यादातर लोगों को ये डर लगने लगता है कहीं किसी ने हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया है, कहीं कोई स्पेल तो नहीं कास्ट कर रहा है, कहीं किसी की ईविल आई तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो इस समय पर तो उसका एक ही रीजन है ग्रुप नंबर टू, और आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उससे आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे मैं ओवरऑल सेंस कर पा रही हूँ कि एक तो अलग होने का फियर है आपके मन में भी, आपके पार्टनर के मन में भी, और वो डर जो है अगर ज्यादातर आप अपने मन में रखते हो या ज्यादा थॉट्स आप अपने उस डायरेक्शन में डालते हो तो वो फियर आपका रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आपकी एनर्जीज एक्सप्लेन करूंगी, आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स इस पर्सन के टुवर्ड्स इस समय पर। कुछ पुरानी बातों के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ आप लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, ये मॉनेटरी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, या मे बी टाइम रिलेटेड कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, ये कुछ शब्दों का एक्सचेंज हो सकता है जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, और ये रिसेंटली हुआ है, अभी पिछले तीन चार महीने के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है जिसके बारे में सोच करके आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। आपको थोड़ा डाउट हो रहा है अपने पार्टनर के इमोशंस के ऊपर, या उनके कमिटमेंट को आप डाउट कर रहे हो, या उनके लॉयल्टी को आप जज कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट कर दिए हैं और आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया है, या उनकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स उन्होंने पुट किए हैं लेकिन आप किसी न किसी रीजन से इस रिलेशनशिप को उतनी वैल्यू नहीं दे पाए हो, टाइम वाइज, मनी वाइज, इमोशन वाइज, कैसे भी। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक सेंस ऑफ इम्बैलेंस इस समय पर आप लोगों के रिलेशनशिप में है, और अगर ये इम्बैलेंस बढ़ता है आगे जाकर के तो आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है। तो ये फियर मैं देख रही हूँ ये आपके मन में भी आ रहा है, यही सेम फियर आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके मन में भी यही डर आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा क्रेविंग है, आप चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल तरीके से एक्सपीरियंस करना। रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी होगी, ये रीडिंग जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए भी होगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में रिसेंटली हो सकता है कि चल रही है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और इस इंसान के बीच में जो रिश्ता है उसमें इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, और आप चाह रहे हो किसी भी तरीके से इस रिश्ते में वापस से पॉजिटिविटी लेकर के आना, वापस से बैलेंस लेकर के आना। आप अपनी तरफ से कोशिश करने की कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी
कई सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर, टू अट्रैक्ट लव इन देयर लाइफ. कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं. अभी यहाँ पे एक रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ. इन केस आप लोगों के रिलेशनशिप में लव जो है वो कम होता जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप उनसे कुछ कह रहे हो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं आप लोगों के बीच में, राइट. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ऑरेंज जो संतरा होता है, संतरे के छिलके आपको लेने हैं, उनको आपको ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है, और आपको सूखे हुए रोज पेटल्स लेने, गुलाब की पंखुड़ियां आपको लेनी है सूखी हुई, ठीक है. इन दोनों का आपको बनाना है पाउडर, एकदम पाउडर फॉर्म में आपको इन्हें पीस लेना है. मिक्सी में आप इसको कर सकते हो, ठीक है. दोनों का पाउडर, जो ये संतरे के छिलके हैं सूखे हुए, इसका पाउडर और रोज पेटल्स का पाउडर, इनको मिक्स करके एक ग्लास के जार में आप स्टोर कर लीजिए, और अपने बाथरूम में आप इसको रख लीजिए. और जब भी आप नहाने के लिए आप जाते हो, तब अपने नहाने के पानी में आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इस पाउडर को ऐड करना है. और ये पाउडर ऐड करते वक्त अपने नहाने के पानी में, उस समय पर आप इंटेंशन डालोगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, या ये जो अननेसेसरी की जो ये डर आ रहे हैं आप लोगों के मन में, या जो दूरियां आप लोगों के बीच में आ रही हैं, वो सारी दूरियां जो है वो क्लियर आउट हो रही हैं. ये कैसे काम करता है गाइज, ये व्हाइट मैजिक का ही एक तरीका है. इसको करने का कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं होगा, ये कोई नेगेटिव कर्मा नहीं है. आप किसी के कर्मा को, किसी की विल को आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो. आप सिंपली जब उस पानी को आप अपने शरीर के ऊपर आप डालोगे सर से पांव तक, तब आपके ऑरा में जो लविंग वाइब्रेशंस है वो क्लियर होंगी, वो और ज्यादा बढ़ेंगी, नेगेटिविटी आपके ऑरा में से हटेगी, और आप जो हो अपने पार्टनर को, अपनी लाइफ में लव को आप और तेजी से अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है. सो ये रेमेडी है, बहुत आसान सी है, घर पे ही आप कर सकते हो. कुछ 50 चीजें आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं है. कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम को ही करना है, या किसी पर्टिकुलर दिन पे ही आपको शुरू करना है. आपको जब भी ठीक लगता है, आप जब भी कर सकते हो, आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड पर्सनली भी जो लोग मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, उनको भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ, हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज आप फॉलो करते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है या कोई भी ऐसी रेमेडी है, उसको कम से कम आप 40 डेज तक लगातार आपको वो चीज करनी है. अगर बीच में गैप हो जाता है तो आपको दोबारा से उस चीज को शुरू करना है. बेसिकली इसको आपको आपकी लाइफ का एक डेली लाइफ का आपको इसको एक हिस्सा बनाना होता है, ठीक है. सो ये रेमेडी जो है ये आप जरूर से ट्राई कीजिएगा. इनकेस ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ रही हैं तो वो सॉर्ट आउट होंगी, क्लियर होंगी. नाउ कमिंग टू योर पार्टनर्स एनर्जी, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है. ये इंसान भी सेम आप ही की तरह आपके और उनके रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं. ये भी एक बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे दिख रहा है. हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में किसी तरीके से आपको हर्ट किया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ये खरे नहीं उतरे हैं, या आपको इन्होंने कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि आपकी जरूरत के टाइम पर इन्होंने आप पीठ मोड़ ली है, या आपका साथ नहीं दे पाए हैं, या चीट कर दिया है किसी तरीके से. कुछ ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पे आप लोगों के बीच में अराइज हुई है, ठीक है. ये जो सिचुएशन है ये 4 से 6 महीने का टाइम हो सकता है, या उससे पहले का टाइम हो सकता है जब ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हो. सो ये इंसान जो है इस बर्डन को, इस गिल्ट को अपने मन में बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं, और ये अपनी जो करनी है उसको सुधारना चाहते हैं. आपके और इनके रिश्ते को ये इंसान सुधारना चाहते हैं. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कई लोगों के लिए हो सकती है. ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पे आ रही है, ये घर से जुड़ी हुई एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है. ग्रुप नंबर 2 यानी कि फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कोई घर वाले हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है. ये वर्क रिलेटेड एनर्जी नहीं है. ग्रुप नंबर 1 में जो थी वर्क रिलेटेड एनर्जी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे वर्क रिलेटेड एनर्जी मुझे नहीं इतनी फील हो रही है. यहाँ पे मुझे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा महसूस हो रहा है. सो यस, दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग के कैसे ये क्या करें कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है ठीक हो जाए, और ये दिन भर जो है इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपके बारे में सोचते हैं ऐसे थॉट्स इनके मन में जरूर आते हैं, राइट. अगर थर्ड पर्सन के साथ में अगर कोई ऐसा अफेयर इनकी लाइफ में चल रहा है, तो वो रिश्ता जो है ये एक बर्डन की तरह आप देख रहे हो, एक बर्डन की तरह अपने ऊपर उस रिश्ते को ये ढो रहे हैं, या ये घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको एक बर्डन की तरह अपने कंधों पर ये ढो रहे हैं,
और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और इनका जो ये रिलेशनशिप है वो इनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको संभालने की, लेकिन फिर भी कुछ भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, राइट। तो थोड़ा सा हेल्पलेसनेस यहाँ पे इनकी एनर्जीज में मुझे फील हो रही है। आपके माइंड में कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आप थोड़े से स्पाइंग वाली एनर्जी में भी यहाँ पे हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपका निकल के आया है। आप पूरी तरीके से नजर रखने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है। मे बी इसी वजह से आप ये रीडिंग भी देख रहे हो इस समय पर, क्योंकि आप उनकी एनर्जी इसको जानना चाह रहे हो, आप समझना चाह रहे हो कि आगे ये क्या करने वाले हैं या क्या चीजें इनके मन में चल रही हैं। सो एक बहुत क्लियर एनर्जी जो आपके पार्टनर की तरफ से निकल के आ रही है वो यही है कि जैसे हाथों में से रेत फिसलती है, कुछ इस तरीके की इमोशन, कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी तरफ से आ रही है। वैसे इनको लग रहा है कि रिश्ता जो है ये इनके हाथों से निकलता जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये कनेक्शन इनके लिए। ये बिल्कुल भी इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और इनसे जो गलतियां हुई हैं उसको ये ठीक करना चाहते हैं। लेट्स सी कि हमजा कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर टू के लिए। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है ग्रुप नंबर टू, रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो क्या थॉट्स इनके मन में आए हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे हमारे पास है टॉल। तो हाइट में आप लोगों के डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये एज में डिफरेंस भी हो सकता है गाइज, एज गैप भी हो सकता है, ये हाइट में डिफरेंस भी हो सकता है। एज गैप मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, रिसेंटली इन्होंने आपको सपने में देखा है। टेक दिस कार्ड, वो समय ही ठीक नहीं था, कुछ तो हुआ है। ये टावर मोमेंट अभी रिसेंटली जब भी आप लोगों के बीच में आया है तो ये उस सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं। म्यूजिकल मेमोरीज, कुछ गाने से जुड़ी कोई मेमोरीज है, कोई हो सकता है कि आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग हो, जो कभी आप लोगों ने एक दूसरे को डेडिकेट किया हो वो गाना इन्होंने रिसेंटली सुना है, या कोई ऐसा सॉन्ग इन्होंने सुना है जो आपकी रिलेशनशिप की इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा मैच करता है। लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। अभी मैंने कहा था कि ये जो इंसान है ये सैडनेस फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप मुझे काफी समय से जानते हो, दिस थिंग ऑल्सो आई मैंशन, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जल्द ही वापस आऊंगा या आऊंगी। तो ये अगर आपके साथ में सेपरेशन में है इस समय पर, आप लोगों की बातचीत अगर नहीं हो रही है तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, या इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर चल रही है तो इनके मन में ये रियलाइजेशन आता जा रहा है कि तीसरा इंसान जो भी है या तीसरी एनर्जी जो भी है उसके साथ में ये कंटेंट नहीं है। उस एनर्जी, उस सिचुएशन के साथ में ये पूरी तरीके से खुशी से अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, और आपके साथ में इनको ये कम्फर्ट फील होता है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आपकी निकल के आई है। सो ये पर्सन जो है ये वापस से एक खिंचाव आपकी तरफ में महसूस कर रहे हैं, और इस इमोशन के ऊपर ये रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है तो आप इनको वापस से अट्रैक्ट कर सकते हो। जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो इस सिचुएशन में भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी जिन लोगों के बीच में चल रही है, ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी कारगर होगी, उन लोगों के लिए भी हेल्प करेगी। आपको सिर्फ पूरे विश्वास के साथ कीजिए गाइज, और पूरी एनर्जी अपनी डालिए, ठीक है। वाटर का जो मैजिक होता है, वाटर के साथ जब आप कुछ क्रिया करते हो, कोई मैजिक करते हो, तो वो बहुत पावरफुल होती है। वाटर वैसे भी इमोशंस को सिग्निफाई करता है, और आपका हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो पूरी तरीके से इमोशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव असर डाल रही हैं, वो सारी चीजें क्लियर आउट होंगी, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है, तो ये रेमेडी करने के बाद आप लोगों के बीच में दोबारा से कन्वर्सेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यहां पे आपका बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है, प्लानिंग टू गेट मैरिड। सो जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है रिसेंटली, इनके माइंड में एक शादी से जुड़ा हुआ थॉट भी जरूर आया है, ठीक। यस, ग्रुप नंबर टू गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। पहली बार अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो देन प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा,
और हाँ, अगर आप खुद से टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिमिटेड टाइम के लिए मैंने थोड़ा डिस्काउंट दिया है कोर्स के ऊपर। आई एम टीचिंग इन जस्ट 6,000 रुपीज, 5,999 मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। उसमें 5 दिन की आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी गाइज। मैं इन पर्सन नहीं टीच करती हूँ, मैं आपको ऑनलाइन टीच करूंगी और इट विल बी 1-to-1 क्लास, ठीक है। एक क्लास में देयर विल बी जस्ट 1 पर्सन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप सीखना चाहते हैं, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट। उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज अवेलेबल ऑन स्क्रीन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।